Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Raha for You. ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धनतेरस 2022 शुभ तिथि, खरीदारी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ ही जानेंगे इस दिन कौन सी चीज आपको खरीदनी नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली का पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली का पर्व पूरे 5 दिनों तक चलता है जिसकी शुरुआत धनतेरस के साथ होती है। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। धनतेरस या धन त्रयोदशी का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी, गणेश, धन्वंतरी जी और कुबेर पूजन करने की परंपरा है। मान्यता है कि त्रयोदशी के दिन ही समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश हाथों में लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी भी कहते हैं। भगवान धन्वंतरी के कलश के साथ प्रकट होने के कारण ही इस दिन पर बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। तो आइए जानते हैं 2022 में धनतेरस कितनी तारीख को पड़ेगा, खरीदारी के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, पूजा विधि और इस दिन कौन सी चीज आपको नहीं खरीदनी चाहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस पूजा मुहूर्त 2022 के बारे में। इस साल धनतेरस 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:01 से 8:17 तक। धन्वंतरी देव पूजन मुहूर्त होगा 23 अक्टूबर की शाम 5:44 से 6:05। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर को शाम 6:02। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 23 अक्टूबर शाम 6:03। अब बात करते हैं धनतेरस खरीदारी के मुहूर्त के बारे में। साल 2022 में 23 अक्टूबर रविवार के दिन पूरा दिन खरीदारी के लिए शुभ है। ऐसे में इस दिन किसी भी समय पर खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि खरीदारी करते समय राहु काल का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। 23 अक्टूबर धनतेरस के दिन राहु काल शाम 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। इस समय खरीदारी करने से जरूर बचें। अब बात करते हैं धनतेरस पूजन के बारे में। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में देवताओं के वैद्य धन्वंतरी जी, देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और धन के देवता कुबेर की पूजा करनी चाहिए। धन्वंतरी जी को भगवान विष्णु का ही रूप माना गया है। भगवान धन्वंतरी जी की प्रतिमा को धूप दीप दिखाकर पुष्प आदि अर्पित करें। धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना जीवन में शुभता बढ़ाता है। आज के दिन धन्वंतरी जी की पूजा करने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं लक्ष्मी गणेश पूजन विधि के बारे में। लक्ष्मी गणेश पूजन के लिए पूजा स्थल को स्वच्छ कर एक साफ चौकी लें। उस पर साफ लाल कपड़ा बिछाकर मां लक्ष्मी व गणेश जी की प्रतिमा रखें। मूर्तियों का मुख पूर्व या पश्चिम की ओर होना चाहिए। अब हाथ में थोड़ा गंगा जल लेकर चौकी और प्रतिमा पर छिड़कें। इसके बाद हाथ में गंगा जल लेकर पूजा करने का संकल्प लें। प्रतिमा के साथ जल से भरा कलश चावलों के ऊपर रखें। कलश पर मौली बांध कर उस पर आम के पत्ते रखें। अब कलश में सुपारी, दुर्वा, अक्षत, सिक्का डालें। अब इस कलश पर एक नारियल लाल वस्त्र में लपेट कर रख दें। अब सबसे पहले घी का दीपक जलाकर गणेश जी की पूजा करें, फिर लक्ष्मी जी की आराधना करें और पूजा में 11 या 21 छोटे सरसों के तेल के दीपक और एक बड़ा दीपक जलाकर रखना चाहिए। घी का दीपक भगवान के बाईं तरफ जलाएं। अंत में गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की आरती उतार कर भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। जलाए गए 11 या 21 दीपकों को घर के सभी दरवाजों के कोनों में रख दें। अब बात करते हैं कुबेर पूजन विधि के बारे में। धनतेरस के दिन कुबेर पूजा के लिए प्रदोष काल पूजा के शुभ मुहूर्त में भगवान कुबेर के यंत्र या उनकी प्रतिमा उत्तर दिशा में स्थापित कर पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उनके सामने घी का दीपक जलाकर रोली मोली अक्षत अर्पित करें। अब कुबेर जी की आरती व मंत्रों का जाप करें। भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए आज पूजा में उन्हें कमल गट्टा अर्पित करें। अब बात करते हैं धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है, लेकिन बर्तन पीतल, तांबे जैसी शुद्ध धातुओं के खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन न खरीदें, यह राहु के कारक होते हैं। इस दिन कांच या प्लास्टिक की चीजें भी न खरीदें, इससे घर में सुख समृद्धि और बरकत नहीं रहती, क्योंकि कांच पर भी राहु का प्रभाव होता है। आज के दिन चीनी मिट्टी के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि ये चीजें सुरक्षित और स्थायी नहीं होती हैं। धनतेरस के दिन कोई भी काले रंग की चीज न खरीदें और ना ही लोहे से बना सामान खरीदना चाहिए, क्योंकि इन पर शनि का प्रभाव होता है। हर हर महादेव।